शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद 2001 में रखी गई थी। इससे पहले 1996 के अंदर शंघाई 5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तश्कील में आई थी, जिसको चाइना और रशिया उसके बड़े मेंबर स्टेट्स थे। 2001 के बाद से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फैलती जा रही है। इसके अलावा इनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस के हामिल मेंबर्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनके पास जो है वो डायलॉग स्टेटस है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें तुर्की और श्रीलंका भी शामिल हैं। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब से मर्ज़ वजूद में आई है, हमने देखा है कि ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी मामलात, जिसके अंदर टेररिज्म के हवाले से कोलैबोरेशन है, उसको फोकस किया जाता है। ये समिट इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज को कन्फ्रंट कर रही है, फेस कर रही है, और ये क्लाइमेट चेंज जो है ये पाकिस्तान जैसे ममालिक, चाइना जैसे ममालिक के लिए नहायत ही अहमियत का हामिल है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालिया सैलाब आए हैं, इससे लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, और ख़तरा है कि ये एक नेचुरल क्लाइमिटी जो है वो एक ह्यूमन सिक्योरिटी थ्रेट को जन्म दे चुकी है। इसी तरह चाइना के अंदर ड्रॉट्स आए हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोरम है जहाँ पे तमाम ममालिक जो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रुकन हैं, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा है कि अमेरिका ने रशिया और चाइना के गिर्द जो है वो अपना घेरा तंग कर लिया है, और यूक्रेन का जो तनाज़ा है वो भी हमें इसी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब नेटो एक्सपेंड कर रहा है तो रशिया की सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वो इसको थ्रेट समझता है, और वो इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को मुकम्मल सपोर्ट की जाए। इस मौके के ऊपर चाइना ने एक स्टैंड लिया है यूक्रेन के अंदर, जो रशिया की इन्वेजन है उसका सपोर्ट भी नहीं किया लेकिन उसको कंडेम भी नहीं किया। इसके अलावा दो नए सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जो कि हमने इस खत्ते में जहाँ पे रशिया और चाइना एग्जिस्ट करते हैं देखने में आए हैं, जिसमें से एक ऑकस है और दूसरा क्वाड है। उसके अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ममालिक शामिल हैं, और ये भी चाइना एक अलायंस के तौर पे देखता है जो कि चाइना के मफादात को नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा ऑकस, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका मेम्बर स्टेट्स हैं। तो ये गुमान किया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान रशिया और चाइना जो है वो सॉवरेनिटी को और दूसरे ममालिक की जो इंटरफेरेंस है छोटे ममालिक के अंदरूनी मामलात में, उसको लेके बहुत सख्त रद्द अमल या एक जॉइंट स्टेटमेंट का भी इम्कान है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ देखें तो ये दुनिया की 40% जो आबादी है उसको कवर करता है। इसकी जो म्यूचुअल ट्रेड है वो तकरीबन $6 ट्रिलियन तक जा पहुंची है। बड़ी आबादी रखने वाले ममालिक, 4 न्यूक्लियर ताकतें जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर स्टेट्स हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म होती है तो पाकिस्तान के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करे, और उसके साथ जो है बाहमी इश्तराक, जिसमें ट्रेड और एनर्जी कॉरिडोर्स हैं, उनको मजबूत करे। लेकिन ये मौका हम गंवा गए, और उसकी रीज़न सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि अफगानिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम, पॉलिटिकल और इकनॉमिक अदम इस्तेकाम ने हमें हम नहीं आ सके कि हम इसको परवरकार लें और इसकी जो अफादियत है इस रीजन की उससे फ़ायदा उठाएं। अब जबकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान एक रुकन है, तो हमारे पास ये दोबारा से अपॉर्चुनिटी है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है और एनर्जी कॉरिडोर्स जो हैं उनको हम रिवाइव करें। आपको पता है कि ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान का कैसा 1000 जो कि अब कैसा 2000 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, वो एक बहुत ही नुमायाँ
एनर्जी को पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है उसको एड्रेस करने के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान अपने एनर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करे। फिर गैस है जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर उसके ज़खायर हैं, पाकिस्तान उससे भी फ़ायदा उठा सकता है। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो ट्रेड है जो कि सेंट्रल एशिया के साथ, ख़ासतौर पर हमारे जो फल हैं, हमारी सब्जियां हैं, वो वहाँ तक उसकी रसाई ईजीली मुमकिन है, तो हम उसके ऊपर भी अपना फोकस कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि बड़ी ताकतें जिस तरह के अमेरिका और चाइना हैं, वो अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद जिन इश्यूज़ के ऊपर वो एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं उस पर वो बात भी करते हैं और एक दूसरे से तआवुन भी करते हैं। गो के इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शिमला मुआहिदा इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि दोनों ममालिक जो हैं अपने तस्विया तलब मामलात जो हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल करेंगे, जो कि बायलैटरल बातचीत होगी। लेकिन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो बड़ी ताकतें जिसमें रूस और चाइना भी शामिल हैं, ये मदद कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया की कश्मीर इशू को लेके या पानी और दूसरे जो रीजनल इश्यूज़ हैं हमारे दरमियान बॉर्डर के मसाइल हैं उनको लेके हमारी हेल्प कर सकते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो दो नुमाया इदारे हैं जिसमें एक सेक्रेटेरिएट है और दूसरा रैट्स जिसको रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, पाकिस्तान उसका भी मेंबर स्टेट है। तो हमने देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से अदम इस्तेकाम तालिबान गवर्नमेंट के आने के बाद आ रहा है, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर होने वाले जो टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के जो इश्यूज़ हैं उनको भी डील कर सकता है। 2021 के अंदर पब्बी जो कि पाकिस्तान का शहर है पंजाब में, वहाँ पे रैट्स की एक एक्सरसाइज मुनक्कद हुई थी जिसमें पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा था, तो उससे जो रीजनल कोलेब्रेशन है एंटी टेररिज्म के ख़िलाफ़ वो भी काफ़ी स्ट्रेंथन हुई थी। पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता तारीख है उसमें पब्लिक डिप्लोमेसी के इनिशिएटिव्स हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आते हैं, तो पब्लिक डिप्लोमेसी और रीजनल कोलेब्रेशन के थ्रू हम लोगों से अवामी ताल्लुकात जो है उसको इस्तेवाल कर सकते हैं और जिससे ना सिर्फ तजारत बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कॉन्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल।